नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के कौन नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको CSK और KKR के बीच खेले गए IPL 2022 के पहले मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी IPL 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL के 15वें सीजन का पहला मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम में इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जबकि इस टूर्नामेंट में चेन्नई टीम की कमान स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के हाथों में थी। हालांकि दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 200 मैच खेलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाली है। दोस्तों हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा आप अपने पहले IPL मुकाबले की कप्तानी में फ्लॉप साबित हुए, वो इस मुकाबले को हार गए। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि CSK की टीम आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि CSK की पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने की, लेकिन आज के मैच में CSK टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई और CSK के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में आउट हो गए। आपको बता दें कि उमेश यादव की गुड लेंथ गेंद को ऋतुराज के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जिसको स्लीवर में तैनात नीतीश राणा ने कैच कर लिया, जिसके बाद डेवन कॉनवे के साथ देने के लिए रॉबिन उथुपा क्रीज पे आए। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ने कुछ हद तक पारी को संभाला, लेकिन एक बार फिर उमेश यादव ने ही KKR को दूसरी सफलता दिलाई। कप्तान ने उमेश यादव को तीसरा ओवर देकर उन पर भरोसा जताया था, उमेश भी इस पर खड़े उतरे। उमेश की लेंथ गेंद को डेवन कॉनवे ने स्टंप से हवा में डाइव किया, वह पूरी तरह से उनके नीचे नहीं आ पाए, जिस वजह से गेंद गई सीधे मिड ऑन के फील्डर श्रेयस अय्यर के पास। आपको बता दें कि चेन्नई के दोनों ओपनर 5 ओवर के अंदर ही पवेलियन लौट गए। दोस्तों इस मुकाबले में CSK के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, एक के बाद एक CSK के बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे। आपको बता दें कि मैच 9 ओवर के अंदर CSK टीम ने महत्वपूर्ण 4 विकेट गवा दिए थे। वहीं दोस्तों 10 ओवर के अंदर चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे 57 रन था। रविंद्र जडेजा 6 और शिवम दुबे 1 रन बनाकर क्रीज में मौजूद थे। दोस्तों रॉबिन उथुपा के अलावा CSK का कोई भी बल्लेबाज अच्छी लय में नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों शिवम दुबे भी सस्ते में आउट हो गए, जिसके बाद आज के मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी और कप्तान रविंद्र जडेजा ने शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि जिस पारी का CSK फैन और टीम को बरसों से इंतजार था, धोनी ने नाबाद 50 रन और जडेजा ने नाबाद 26 रनों की पारी खेली, जिसके वजह से CSK की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। CSK ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 131 रन बनाए। दोस्तों आपको बता दें जिसके जवाब में KKR ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि KKR की टीम से अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए।